जय जगन्नाथ मूलपुन स्वागत करुच्ची डिजिटल पाठशाला एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को। तो पे आज मुझे आपई करेंट अफेयर तो जहाँ कि ग्रुप डी बहुत हेल्पफुल हम तो आज आम पढ़ा आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। तो चलो लेट मैं स्टार्ट करवा प्लीज से छोट रिक्वेस्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करूँ एमती ओडिया लांगुएज स्टडी मेटेरियल पाइबापी। तो चलतु आम जा क्वेश्चन नंबर वन आड़को। तो देखु फास्ट क्वेश्चन आसी आमपाई ओनली वन एमंग व्हिच टू टर्म्स विल क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो यही भितर आम जो ऑप्शन अप्सन जहाँ देर के किए कौन क्वालिफाई कर फीफा फीफा जो आम वर्ल्ड कप अच्छी कौन फुटबल र तो किए क्वालिफाई करोपाई वर्ल्ड कप 2022। तो चलतु देखो ऑप्शन देखो अर्जेंटीना और जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस एंड ब्राजिल, ऑप्शन सी इटली एंड पर्तुगाल ना ऑप्शन जी स्पेन एंड पर्तुगाल। तो पे कहतु जस्ट 10 सेकंड आपण मानी तो जब आंसर आस प्लीज कमेंट रे आंसर दिंतु। मुझे रखुची जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जो 2022 आम फीफा वर्ल्ड कप हवाक जाऊँगी तो से कौन ना इटली आउ पर्तुगाल जो क्वालिफाई कर राइट आंसर। चलो जी क्वेश्चन नंबर टू को। तो देखते पे क्वेश्चन नंबर टू आर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केन्द्र इनॉग्रेटेड इन व्हिच प्लेस। तो पे आर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केन्द्र इनॉग्रेटेड इन व्हिच प्लेस क्यों प्लेस इनॉग्रेटेड हो। तो ऑप्शन देखो शिमला, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कानपुर ना ऑप्शन जी गोरखपुर। तो पे कहतु आपण मान पाखे सिर्फ 10 सेकंड टाइम 10 सेकंड आंसर दिंतु। तो पे कहतु तो पे चल जाना यार राइट आंसर। तो पे राइट आंसर हूँ कौन ना ऑप्शन डी कौन पे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बुझे गोरखपुर। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह। तो यूनियन मिनिस्टर किए पे यूनियन मिनिस्टर आउ ब्रॉडकास्टिंग जी अनुराग सिंह मन रखिए ना हूँ कौन ना पे अनुराग सिंह आम अच्छा यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठीक अच्छे। तो अनुराग सिंह ठाकुर बुझे अनुराग सिंह ठाकुर। आ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर यूपी चीफ मिनिस्टर किए समस्त जानते हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये मन थी तो यही आम दुई जन जो आम गेस्ट मिसिकी इनॉग्रेटेड करते कहार ना यार्थ स्टेशन दूरदर्शन केन्द्र कौटी ना गोरखपुर बुझीला एवं चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन आज कि बहुत इंपोर्टेंट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। तो पे क्वेश्चन कौन कौन ना निम्नलिखित मध्य जो ऑप्शन अच्छी से भर कौ सीटा बहुत एक्सपेंसिव मानते बहुत खर्चिला सहर बहुत महंगा सहर पृथ्वीर। तो ऑप्शन ए देखु सिंगापुर ना ऑप्शन बी पेरिस ना ऑप्शन सी टेलीविव ना ऑप्शन जी न्यूयॉर्क। तो कहतु पे 10 मिनट टाइम सॉरी 10 सेकंड टाइम तुम पाखे। तो पे राइट आंसर हूँ कौन बहुत पिला कह सिंगापुर कि न्यूयॉर्क कहे ना राइट आंसर हूँ पे ऑप्शन सी टेल अभिव यह हूँ सब एक्सपेंसिव सिटी। तो जो सरपास जो पेरिस पूर्व आम एक्सपेंसिव जे एंड सिंगापुर आज पर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये किए दौर पे ना दौर यूनिट्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस। यूनिट्स वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंडेक्स हम जाना पड़े तो आंसर कौन पे मैंने टेली एभिव जो क्वेश्चन आसे आंसर हम टेल एभिव जा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते पे व्हिच इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट इज टू बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ इंडियन जो भारतीय मुद्रा कोष अच्छे तो ये किए व्हिच इंडियन बॉर्न इकोनॉमिक्स इज टू बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्युटी मैनेजर भाव में निजुक्ति निजुक्त ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ ना ऑप्शन बी उषा थरोट ना ऑप्शन सी रघुराम राजन ना ऑप्शन डी उजित पटेल तो कहते पे मैंने राइट आंसर कौन हम तो पे मैंने राइट आंसर हो पे ऑप्शन ए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गीता गोपीनाथ द इंडियन बॉर्न फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिक्स तो ये फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री माने महिला महिला अर्थशास्त्री फर्स्ट महिला अर्थशास्त्री बुझेगा फर्स्ट प्रथम 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 महिला अर्थशास्त्री जिकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ आईएमएफ कौन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन ना डेप्युटी मैनेजिंग भाव में कौन कर निजुक्ति निजुक्त होती बुझेगा एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को तो देखते पे नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया इज शेड्यूल टू साइन ए डील टू प्रक्योर अराउंड 7.5 लाख AK-203 असल्ट राइफल विथ नेशन पे जो AK-47 आम अच्छी AK-47 राइफल AK-47 ये हूँ एडवांस वर्सन AK-203 सॉरी AK-203 तो AK-203 आम कत कि पे मैंने ना 7.5 लाख तो केउठु किनिबा को को राष्ट्र रु को केउ देश किनिबा जासे तो डील हेछि तो ऑप्शन ए पले माने यूनाइटेड स्टेट ना ऑप्शन बी फ्रांस ना ऑप्शन सी जर्मनी ना ऑप्शन डी रूसिया म को जे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आकु जम्मा स्किप करिवे नाही बुझियाला तो कोन पले माने कोन हबो राइट आंसर तो कोन पले माने कोन हबो राइट आंसर तो पे आम जाने मित्र राष्ट्र किए ना ऑप्शन डी रूसिया तो रूसिया इज द राइट आंसर तो रूसिया सहित डील कराई कौन डील कर 7.5 लाख मतलब साढ़े सात लक्ष आम AK-203 राइफल असल्ट राइफल अना दी कौ ना रूसिया बुझीगला तो कहा सहित करा रूसिया आम जानते प्रेसीडेट किए अच्छे पे क्वेश्चन आसो रूसिया प्रेसीडेट रूसिया प्रेसीडेट किए अच्छे कहते पे रूसिया प्रेसीडेट होती किए ना व्लादिमीर पुतिन लिखिद व्लादिमीर पुतिन मन रखिए व्लादिमीर पुतिन बुझेगा तो ये जो इंडिया आसते सहित ये डील कर 7.5 लाख AK-47 असल्ट राइफल आने बुझेगा एवं चल जा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखु इंडिया विल हैव हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय 2024 2024 सुधा इंडिया पाखे कतोटी न्यूक्लियर रिएक्टर माने पचारे ऑप्शन ए 7 ऑप्शन बी 8 ऑप्शन सी 5 ना ऑप्शन डी 9 तो कहते पे कौन हम राइट आंसर 10 सेकंड टाइम 10 सेकंड के आंसर देवा चेष्टा करूँ तो पे जो राइट आंसर हो पे ऑप्शन डी
कौन पिला है ऑप्शन जी नौ बुझेगा। तो 2024 सुधा इंडिया पाखे कौन ना नौटी कौन ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो बुझेगा। तो क्यों ठीक है आम जो रही द नेशन विल हैव 9 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय 2024 एंड ए न्यू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट द फर्स्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया मतलब आम जो कह नॉर्थ ईस्ट जो कहे आम तो उत्तर भाग जो आम काश्मीर देहरादून उत्तराखंड ये सब रोचे तो विल कम टू 150 किमी अवे फ्रॉम दिल्ली इन गोरखपुर ऑफ हरियाणा इन द गवर्नमेंट इन्फॉर्म द राज्य सभा बुझेगा। तो चलतु एवं जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन विषय जानवा खाली मन रखिए ये क्वेश्चन मन रखिए पे कि इम्पोर्टाट कौन ना न हो बुझेगा किसी आप मन रखा दरकार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलतु डिस्कशन करवा देखु इंटरनेशनल वॉल्यूम ट्यूब डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। इंटरनेशनल मतलब आंतर्जातिक वॉल्यूम ट्यूब डे क्यों दिन पालन करा जाऊ छी ऑप्शन ए डिसेंबर 2 ना ऑप्शन बी डिसेंबर 5 ना ऑप्शन डी डिसेंबर 1 ना ऑप्शन डी डिसेंबर 3 तो कौन तो पिला राइट आंसर कौन हम तो पिला यार जो राइट आंसर पिला सी कौन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर डिसेंबर 5। ठीक अच्छे एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन तो हाउ मच लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द एडीबी टू हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कंट्रीज स्कूल एजुकेशन। तो कंट्री आम जो सारा भारत स्कूल एजुकेशन अच्छी इम्प्रूव करने एडीबी पक्षर के लोन आप्रूव हो बुझेगा। ऑप्शन ए 500 मिलियन डॉलर ऑप्शन बी 100 मिलियन डॉलर ना ऑप्शन सी 300 मिलियन डॉलर ना ऑप्शन डी 250 मिलियन डॉलर। तो कहते पे मैंने कौन हम राइट आंसर तो पे राइट आंसर हूँ कौन ना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 500 मिलियन डॉलर बुझेगा। तो 500 मिलियन डॉलर आम एजीबी कौन कर आप्रूव कर इंडियन गवर्नमेंट को कौन पाई ना जो आम कंट्री स्कूल एजुकेशन अच्छी इम्प्रूव करने बुझेगा। तो ये कौन कौन पाई से करी ना आम जब आम आप जो मिलियन देखिए टकरे कन्वर्ट करवा तो पाखापाखि के 3752 करोड़ कोटी आम कहरा कहले कोटी एत टा आप्रूव कर लोन देवाई बुझेगा। तो कौपाई जो आम एजुकेशन इंपैक्ट होम्पैक्ट मान प्रभावित हो जाए कोरोना पर कोविड 19 जो आम एजुकेशन प्रभावित होती पुणी इम्प्रूव हो पार से पैसा कौन कर इंडियन गवर्नमेंट को लोन देवा आप्रूव कर बुझेगा। एवं चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखु प्रदीप शाह फाउंडर ऑफ इंड एशिया फंड एडवाइजर्स हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एनएआरसीएल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएआरसीएल। तो कहते पे मैंने एनएआरसीएल जहाँकि आम जो प्रदीप शाह जी फाउंडर थे कहना इंड एशिया इंडिया और एशिया फंड एडवाइजर फंडर गोटे उपदेशक कौन आपॉइंट कराई चेयरमैन ऑफ एनएआरसीएल तो एनएआरसीएल फुल फॉर्म तुमको पचरा जाए। तो ऑप्शन ए देखने को आंसर देती ना नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ना ऑप्शन बी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ना ऑप्शन सी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्टिंग कंपनी ना ऑप्शन डी नॉन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी।
तो कहतु पे मैंने कौन हम राइट आंसर। तो पे मैंने आज राइट आंसर हम सी हम ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हम नेशनल असेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी, रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी बुझेगा, नेशनल असेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। तो प्रदीप शाह फाउंडर ऑफ इंडस्ट्रियल फंड एडवाइजर हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल असेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी बुझेगा। एवं चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। पे नेक्स्ट क्वेश्चन एम देखु बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉइल डे इज बीन सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। तो वर्ल्ड सॉइल डे मैं सॉइल मैंने माटी मृत्तिका साइंस कह तो मृत्तिका दिवस माटी दिवस आम पालन कर डिसेम्बर 4 ना डिसेम्बर 3 ना डिसेम्बर 6 ना डिसेम्बर 5। तो कहते पे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज स्किप कर नोट डाउन कर दिखाँ तो एग्जाम देखा मिले जान से भल भाव गोटे स्पेशल डे 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 जो फेस्टिवल ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गोटे ना गोटे देखा मिलूँ। तो प्लीज आपको नोट डाउन कर दिंतु, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम देखा मिले। तो पे मैंने आज राइट आंसर हूँ सी हूँ ऑप्शन डी डिसेम्बर 5। कौन पे मैंने ना डिसेम्बर 5, डिसेम्बर 5 कौन ना मृत्तिका दिवस पालन कर। तो कौटिपी कौन अवेयरनेस करना हेल्दी सॉइल, हेल्दी सॉइल, हेल्दी सॉइल, हेल्दी सॉइल, हेल्दी सॉइल मैंने भल माटी आम जो मान जो आम यार्थ लाइफ को बढ़ावाप कहीं जानचे आम जो मृत्तिका आम मृत्तिका प्रदूषण गोटे बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर आवर लाइफ। जदि आम जमी घर को परिष्कार परिच्छन रखुचे सेमती आम जब मटी को परिष्कार परिच्छन रखा दिन आसो मटी को प्रदूषित होमें बहुत रोग से पड़ा शेष मानव जाति नष्ट हो संभावना रही है। से आम चेस्टा करवा वर्ल्ड सॉइल डे हूँ मोटो या अवेयरनेस कि मटी को आम सफा सुतरा रखा बुझीगला। तो पे मैंने आज तो करें फिर आम ये रखा वीडियो कमी लगेगा क्लास कमी लगेगा कमेंट जन जब भल लगे प्लीज सब्सक्राइब करने को भूलना ना। तो जहाँ आम मोटिवेट हूँ आउ एम बढ़िया तो बढ़िया एजुकेशन वीडियो नहीं आसो। हाँ ग्रुप डी पर स्पेशली क्लास चली तो यहाँ है मर्निंग करेन्ट अफेयर जहाँकि एवरी डे रही है तो इसे आपको स्किप जमा करें ग्रुप डी कौन सब एक्जाम बहुत कम आस। तो प्रत्येक दिन एम दस इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट करेन्ट अफेयर नहीं तुम सांग आसबि बुझेगा। सहित अभी मार्थ रिजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस जहाँकि ग्रुप डी ग्रुप डी करने को जाऊँ बुझेगा। तो चैनल को जब सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब कर दिखाँ और सांगे सहित सेयार कर दिखाँ कि एमती आम ओडिया चैनल गोटे अच्छे जहाँकि ग्रुप डी स्पेशल प्रिपेरेसन करने को जाऊँ बुझेगा। तो जय हिंद जय भारत थैंक यू।